हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की मैथ क्लास में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3। टू क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल, कैसा पॉसिबल है to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth, जो length है वो क्या है breadth की twice है, and area equal to 800 meter square, area 800 है। If so, अगर ऐसा है find its length and breadth, length और breadth हमने find out करनी है। तो देखिए हम let कर लेते, let breadth equal to x, ब्रेथ को हमने एक्स मान लिया। सिंस लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, ट्वाइस हो जाएगी, ब्रेथ एक्स मीटर तो ये 2x मीटर हो जाएगी, बिकॉज हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, टू टाइम्स। सिंस एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 2x मल्टीप्लाई एक्स, दैट इज 2x स्क्वायर। According to question, 2x square equal to 800, x square equal to 400, x square minus 400 equal to 0। अब ये quadratic equation हमारी बन चुकी है बेटा। अब हम ये देखेंगे भाई ऐसा possible है या नहीं है। जैसे कि हमने nature of roots के बारे में discuss किया था, भाई यहाँ roots exist करेंगे या नहीं करेंगे, यानी यहाँ ऐसा पॉसिबल है या नहीं, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डी के ऊपर। तो डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू क्या हो, फॉर्मूला क्या है डी का, बी स्केयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू यहाँ 0, 0 का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और सी की वैल्यू माइनस 400। तो ये 0 और ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 1600, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गई। So it is possible. So it is possible. क्योंकि d की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव, ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल है तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ से ही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हम डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं x के लिए माइनस का 400 उधर जाएगी, क्या हो जाएगा राइट साइड में, पॉजिटिव हो जाएगा, और स्केयर जो है स्केयर रूट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 400 का रूट। अब 400 का रूट क्या आ जाएगा, 20। तो ये x की वैल्यू 20 है, सिंस हमारी ब्रेथ क्या हो जाएगी 20 मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगी 20 का ट्वाइस, 2 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 40 मीटर। तो ये हमारी लेंथ और ब्रेथ है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4 को। क्वेश्चन 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो अगर ऐसा है डिटरमाइन देयर परसेंटेज, परसेंटेज हमने डिटरमाइन करनी, फाइंड आउट करनी है। देखिए द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स की एज का सम क्या है 20 इयर्स, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। 4 ईयर एगो का जिक्र यहाँ पे हुआ है, और उनकी एज की प्रोडक्ट क्या थी, 48 ईयर्स थी, और वो एज हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स ईयर, फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने लेट कर ली एक्स, सिंस प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड की 20 माइनस एक्स, दोनों का सम क्या है
सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, दोनों की एज का सम 20 है, तो हमने फर्स्ट की लेट की एक्स ईयर्स, तो सेकेंड की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। फिर लिखेंगे फोर ईयर एगो, क्योंकि यहां स्टेटमेंट में क्या है, फोर ईयर एगो का जिक्र था, तो इसलिए हमने क्या लिखा, फोर ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। एगो मीन्स क्या होता है, पहले, बिफोर, इन चार साल, जैसे प्रेजेंट एज एक्स है तो चार साल पहले क्या होगी, एक्स माइनस फोर ईयर। फोर ईयर एगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की एज, प्रेजेंट एज क्या 20 माइनस एक्स, तो फोर ईयर एगो क्या हो जाएगी, फोर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, एज की प्रोडक्ट यानी कि एक्स माइनस फोर इंटू में 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। फोर ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमने किसके इक्वल रख ली, 48 के इक्वल। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 16x माइनस में एक्स स्क्वायर, इस एक्स के हम इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर माइनस फोर के हम दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 64 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस, ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 48। माइनस एक्स स्क्वायर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, फिर एक्स वाली जो टर्म होंगी, जैसे 16x प्लस 4x क्या हो जाएगा 20x, और अब लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म, जैसे -64 और ये जो प्लस 48 है इधर आके ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 48 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 20x ये भी एज इट इज, -64 और -48 दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं। अब इन दोनों को हम ऐड तो कर लेंगे, बट साइन क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, 8 प्लस 4 12 वन कैरी, 4 प्लस 6 10 और 1 11 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टार्टिंग में ही माइनस है, एक्स स्क्वायर जो वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, सॉरी माइनस कॉमन लेंगे, साइन चेंज होंगे, ये माइनस वाली टर्म पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वाली क्या हो जाएगी नेगेटिव, और ये नेगेटिव वाली क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब ये माइनस जो है जीरो के पास जाके क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे कैसा पॉसिबल है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, ये डी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो डी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमने थर्ड सम के अंदर भी चेक किया था, डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या जीरो के इक्वल आ जाए तो ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है, और जब पॉसिबल ही नहीं होगा तो फिर हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन 5 है, तो अब क्वेश्चन 5 को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 है बेटा, इज इट पॉसिबल, कैसा पॉसिबल, देखिए थर्ड सम के अंदर भी ऐसा ही था, इज इट पॉसिबल, फोर्थ में भी ऐसा ही था, इज इट पॉसिबल, कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो ये सब जो है डी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। देखिए यहां पेरीमीटर और एरिया दोनों गिवन है बेटा, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इक्वल टू 80 मीटर,
और एरिया क्या है, एरिया गिवन बेटा 400 मीटर स्क्वायर। लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ इक्वल टू एक्स, ब्रेथ इक्वल टू वाई, दोनों को हमने लेट कर लिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये गिवन है हमारा 80। तो 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, राइट साइड में तो यहाँ क्या बचेगा 40 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 400, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाती है। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ओनली वन वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ वेरिएबल एक्स है लेकिन यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 बाय एक्स, ये वाई की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से हमने ली है, और इसको हम फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे, एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 400 बाय एक्स और इक्वल टू क्या है 40। अब अपॉन में एक्स है तो यहाँ अपॉन में वन कर लेंगे और एक्स क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40x, एलसीएम क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम चेक करेंगे कि भी ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, तो ये d के ऊपर डिपेंड करेगा, तो d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, b स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या होगी 1 और c की वैल्यू क्या होगी 400, तो माइनस का स्क्वायर नेगेटिव की पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 40 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 4 स्क्वायर 16 और 0 इसलिए डबल 0 हो जाएगी, यहाँ माइनस 400 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1600 ही आएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, डी की वैल्यू क्या आई 0, सो दिस इज पॉसिबल। अब ऐसा पॉसिबल है तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, x इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू क्या है माइनस 40 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू हमारी क्या आई है 0 बाय 2a 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 0 बाय 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 प्लस 0 बाय 2 और x इक्वल टू 40 माइनस 0 बाय 2। अब 0 को हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, यही सेम आएगा रिजल्ट, तो हमारा 40 बाय 2, यहाँ भी क्या आएगा 40 बाय 2, तो x की वैल्यू क्या आई 20, यहाँ से भी क्या आई 20, तो x की वैल्यू हमारी 20 आ चुकी है। अभी x की वैल्यू 20 आई यानी कि हमारी लेंथ क्या हुई 20 मीटर। अभी x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, y की वैल्यू आ जाएगी 400 बाय x और x की वैल्यू क्या है 20 है, 0 से 0 कैंसिल 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 20, यानी कि हमारी ब्रेथ भी क्या आ जाएगी 20, ये है लेंथ और ब्रेथ। तो बेटा ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये सभी सम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जिन जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आए तो सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है SGS मिलकपुर उसको सब्सक्राइब करना, और अगर आप किसी का कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य राइट करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।